हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल यूनिक फैब्रिकेशन पर। आज हम आपको 5000 स्क्वायर फीट प्लस साइट दिखाएंगे, जो आप पीछे देखने लग रहे हो। इसको सारा वर्कआउट करके दिखाएंगे, जो आप देखने लग रहे हो। ये कॉर्नर में हमारी साइट है। ये पूरा ही फर्स्ट से एंड तक हम काम करके दिखाएंगे इसमें, कि किस तरह से हमने ये बिल्डिंग एक मंथ में तैयार कर दी है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने साइट ली है, ये देखने लग रहे हो। इस पर प्लस्तर हो रहा है, इस पर टोटल सारा एसीबी वर्क होएगा। ये हमने एल्युमिनियम स्ट्रक्चर फ्रेमिंग स्टार्ट कर दी है। ये देख रहे हो ऊपर तक कि इस साइट की हाइट 55 फीट है। ये हमने फ्रेम ऊपर तक तैयार कर दिया है। ये लेफ्ट साइड में गुलाई वाला एरिया है, उसको तैयार करेंगे। ये इसमें डिजाइन है, ये जो फ्रेमिंग बाहर निकाल कर लगा रखी है, कई जगह पर तो 9 इंची है, कई जगह पर 4 इंची है। और ये हमारी सीट आ चुकी है, हमारी फ्रेमिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है एल्युमिनियम वाली। इसके बाद सीट लगानी स्टार्ट कर देंगे। वीवा कंपनी की सीट है ये। फाइनल में दिखाएंगे आपको क्या डिजाइन है, क्या कलर है इसमें। इसमें वैसे तो हमने 3 कलर लिए हैं, वाइट कलर है, ग्रे कलर है और स्टोन वाला कलर है एक, जो ऊपर देख रहे हो आप 801 है। ऊपर इस तरफ रेड अक्षर में दिख रही है, स्टोन कलर है एक। जो नीचे वाला कलर है वो ग्रे है। जो ये वाला एरिया है, ये पेस्टिंग करने लग रही है इस वर्क को, इस एरिया को। जो राइट साइड में था वो स्क्रू के साथ हो रहा है, और ये अपना पेस्टिंग बिना स्क्रू का काम चल रहा है इस पर। जो ये वाला एरिया है, इसकी 50 चौड़ाई है, 50 हाइट है इसकी, 50 फीट चौड़ाई, 50 फीट हाइट। ये कॉर्नर वाली साइट है। इस एरिया में हमारे लोअर्स लगेंगे, एल्युमिनियम लोअर। ये वाला एरिया हमारा कंप्लीट हो चुका है लोअर एल्युमिनियम लोअर्स के साथ। और थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है गुलाई वाला, इसमें ग्लास लग के तो हमें गुलाई करनी पड़ेगी इसकी। ये है एसीपी का गाटर तैयार करने लग रहे हैं। एसीपी सीट में गाटर, पहले एमएस के गाटर लगते थे, लोहे के गाटर, अब इसको हम एसीपी में देखने लगे हो आप। नीचे की तरफ ये गार्टर तैयार करके लगा दिया है, और इसको रैपर उतार के दिखाएंगे आपको लुक। ये गार्टर ग्रे कलर का है। ये स्टोन कलर है, तो सिलिकॉन लगनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सीट तो हमने लगभग लगा दी है। सिलिकॉन करने के बाद इसका रैपर उतार देंगे, जो लेमिनेशन है ऊपर वाली ये उतार देंगे।
ये साइड 5000 प्लस की है। इस साइड को पूरा देखने के लिए एंड तक देखना पड़ेगा, क्या से क्या काम हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। अगर कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या क्या कमी है, क्या तरीका है काम करने का। ये सिलिकॉन लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ये गुलाई वाला एरिया हमारा रह चुका था, ये देख रहे हो आप। इसमें कुछ काम ग्लास को होएगा, कुछ एल्युमिनियम प्रोफाइल को होएगा। उससे पहले तो बॉर्डर तैयार किया था, ये अभी ये गुलाई है, इसकी भी कटिंग ग्राइंडर के साथ कटिंग करने लग रहे हैं। ये देख रहे हो गुलाई लगा के कंप्लीट हो चुकी है, और ये साइड में बॉर्डर लगा दिया है ग्रे कलर का, और हमारा ग्लास भी लग चुका है, और नीचे हमारे एल्युमिनियम प्रोफाइल लोअर, इसकी ये लुक आई हुई है। अब इसका टोटल रैपर उतार देंगे। रैपर उतारना स्टार्ट कर दिया है, इसकी सारी की लुक दिखाएंगे किस तरह से काम हो चुका है। इसमें प्लस माइनस भी काम हुआ है, जैसे ग्रे वाली सीट है ये उठाई है 9 इंची, जो ऊपर वाली सीट है ये 6 इंची उठाई है, इससे कम माइनस किया है ये वाला। जो ये वाइट वाली सीट है 4 इंची है लेफ्ट साइड में दीवार से, ये हमारी सीलिंग रह चुकी थी, इसकी सीलिंग को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सीलिंग करने के बाद हम राइट साइड में जाएंगे, ये हमारी लुक है। अब यहाँ पैड खोल के हम फोल्डिंग पैड खोल के अब दूसरी साइड बांध देंगे। यहाँ पे हमने पर्दे लगा दिए हैं, ये हमारी दूसरी साइड अपना काम स्टार्ट हो चुका है। ये स्ट्रक्चर हमारा लगभग तैयार हो चुका है एल्युमिनियम प्रोफाइल का, और उसके बाद हम सीट लगानी स्टार्ट कर देंगे इस साइड भी। इस साइड जो परली साइड था वो सीधा था, ये अभी यहाँ जाके उल्टा कर देंगे इस वर्क को। जैसे परली साइड सीधी गुलाई थी तो यहाँ जाके उल्टी कर देंगे, जो ऊपर का एरिया था परली साइड इस साइड उस नीचे कर देंगे, तो इस तरफ उल्टा लुक बना देंगे इसकी। इसका ये डिज़ाइन है एल्युमिनियम प्रोफाइल लग गई है, और हमारी सीट लग गई है वाली भी। हमारी गुलाई वाला एरिया रह चुका है, इसको भी कंप्लीट कर देंगे। गुलाई बनानी स्टार्ट कर दिया है, इस तरफ भी गाटर लगेगा। ये हमने गाटर तैयार कर दिया है और इसको लगा देंगे।
ये मैंने रैपर उतार दिया इसका गुलाई वाला भी। ये हमारे इस तरफ से भी सीट का काम ऊपर का कंप्लीट हो चुका है। सिलिकॉन रह चुके हैं, सिलिकॉन लगाने स्टार्ट कर देंगे। ये हमने फोल्डिंग पैड खोलने स्टार्ट कर दिया है। फोल्डिंग पैड खोल के नीचे वाला एरिया रह चुका है, नीचे वाला एरिया कर देंगे। ये हमारी दूसरी साइड भी कंप्लीट हो चुकी है। ये आप लुक देख सकते हो इसकी, जिसका ग्रीन वाला पर्दा भी हम हटा देंगे, फिर दिखाएंगे आपको लुक किस तरह से ये कंप्लीट किया हमने साइड। नीचे के पिलर है ये वाले, जो शटर वाले पिलर थे, इसको भी एसीपी सीट में कवर कर देंगे। इस वाले एरिया में भी सीट लगा दी है। ये सीट रैप उतार दिया इसके बाद। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वीडियो के एंड तक देखने के लिए। ये हमारी फाइनल साइट कंप्लीट हो चुकी है 5000 प्लस एरिया की।